सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले एबीडी सस्पेंशन के बारे में या फिर एबीडी सिरप्स के बारे में। एबीडी सिरप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स है, मॉलिक्यूल्स है, कंपोजिशन लगे और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोजन कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से दे सकते हैं, और ये सिरप्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, ये सिरप्स का इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, और पैरासाइटिक्स इन्फेक्शन में दिए जाने वाले सिरप इतना यूजफुल क्यों है। तो एबीडी सस्पेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर अब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप पर एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कहते हैं एबीडी सस्पेंशन जो कि हमारे पास 10 ml का बोतल है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP अराउंड 19 यानी कि 19 रुपये करीब इसकी MRP है। एबीडी सस्पेंशन को इंतास फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। एबीडी सस्पेंशन के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से एल्बेंडाजोल्स ओरल सस्पेंशन आईपी बोले तो इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि एबीडी सस्पेंशन के अंदर जो इंग्रीडियंट्स है उसके पावर ऑफ स्टेंस की बात करें तो उसके अंदर जो एल्बेंडाजोल्स है वो 200 mg इसके अंदर डाले गए हैं। एबीडी सस्पेंशन का यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल बच्चों में परजीवी संक्रमण के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि साइल्स में जो पैरासाइटिक्स इन्फेक्शन होता है उसके इलाज के लिए ये सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है। एबीडी सस्पेंशन को यूज करने से बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपके बच्चे में कुछ परजीवी इन्फेक्शन या पैरासाइटिक्स इन्फेक्शन हुआ है या उसके पेट में कुछ कीड़े या वॉर्म स्प्रेड हो गए हैं तो ये सिरप्स को यूज करने से वो ठीक हो सकता है। एबीडी सस्पेंशन का डोज और डोजन की बात करें तो उसका डोज और डोजन आपके बच्चे की एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की एज कितनी है और वेट कितना है। अगर आपके बच्चे की एज 5 साल से ज्यादा है तो ये सिरप्स का इस्तेमाल पूरा एक साथ दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे की एज 5 साल से कम है तो ये सिरप्स का इस्तेमाल आप 2 दिन में कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की एज 5 साल से कम है तो इसका डोज 5 ml per day तो 2 दिन में इसका कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और वो भी आफ्टर मिल्स यानी कि इसको खाना खाने के बाद ही दे। एबीडी सस्पेंशन या एबीडी सिरप्स का इस्तेमाल आप साल में 2-3 बार इसका इस्तेमाल दे सकते हैं अपने बच्चे को अगर आप इसको ओवरडोज दे रहे हैं, यानी कि एबीडी सस्पेंशन का इस्तेमाल आप कंटिन्यू बेस पे अपने बच्चे को दिए जा रहे हैं तो आपके बच्चे को कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपके बच्चे को हो सकता है गले में खराश हो सकती है, उल्टी हो सकती है, चक्कर आना हो सकता है, मिसली आना हो सकती है, भूख में कमी हो सकती है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो एबीडी सस्पेंशन का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में ले और इसका ओवरडोज कभी भी नहीं दे। एबीडी सस्पेंशन किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स एबीडी सस्पेंशन। जब आपका बच्चा कीड़े या उसके अंडे से इन्फेक्टेड कुछ खाता है या पीता है तो कीड़े उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। एक बार शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद ये कृमि आंत की आंतरिक दीवारों से चिपक जाते हैं तथा शरीर के अंगों में भी प्रवेश कर सकते हैं। एबीडी सस्पेंशन कृमियों को शुगर यानी कि ग्लूकोज को अवशोषित करने से रोकता है जिससे उनकी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। इसके कारण वंश मर जाते हैं जिससे आपके बच्चे का इन्फेक्शन का इलाज होता है। एबीडी सिरप से एबीडी सस्पेंशन को यूज करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में से सिरप से सस्पेंशन का इस्तेमाल करें। अपने मन से एबीडी सस्पेंशन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो एबीडी सस्पेंशन के बारे में कुछ भी डाउट हो हमारी कमेंट सेशन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दी है वहां पर बताएं। एबीडी सिरप या एबीडी सस्पेंशन का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगता तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी सिरप या सस्पेंशन का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।